गाइस वेलकम टू सी सिस्टर्स। मैं सुमिता और मैं आ गई हूँ मेरे मौसी के घर। तो मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि प्रैंक वीडियो करो। तो मैं आज सोची हूँ कि एक प्रैंक वीडियो बनाऊँगी। किसके ऊपर बनाऊँगी और क्या बनाऊँगी ये तो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि क्या प्रैंक की हूँ, लेकिन किसके ऊपर करूँगी वो बता देती हूँ। वो मेरी बहन होगी, ठीक है। तो मैं तब तक प्रैंक करूँगी जब तक कि वो ना रोए, ठीक है। मैं तब तक प्रैंक करूँगी और आपको पता चलेगा, तो तब तक मैं करूँगी, ठीक है। और मैं अभी कैमरा को छुपा लेती हूँ क्योंकि वो अभी नीचे गया है पानी के बोतल लाने के लिए। तो चलो, मैं इधर एक टेडी बियर है उसके मिडिल में मैं छुपा लेती हूँ। तो मैं फ़ोन रख ली हूँ एक टेडी बियर के पीछे, उसको नहीं दिखाई देगा। तो वो नीचे गई है, वो आने वाली है। मैं जाकर बैठ जाती हूँ फ़ोन लेकर। मैं ही सब काम कर दूँ तो मैं इससे अच्छा होगा कि तुझको हटा कर कोई दूसरा कोई लगा दूँ तेरी जगह। मैं बिजी थी इसलिए मैं नहीं कर सकती थी। मैं भी बिजी थी, मैं भी अपने काम को छोड़कर वीडियो बना रही थी। तो तू क्यों नहीं कर सकती? एक तो टाइम होता है जब हम फ्री रहते तब हम वीडियो बना सकते हैं। मैं बिजी थी। मैं भी बिजी थी, मेरा भी एग्ज़ाम रहता है, मेरा भी काम रहता है, लेकिन फिर भी मैं एक टाइम निकल कर जहाँ मैं अपना खुद का काम छोड़कर मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट काम है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। मैं तो आज से मैं करूँगी। इतना दिन हो गया, तू इतनी दिन से है, मेरा YouTube चैनल 2 साल के ऊपर हो गया, इतने दिन से तू 2 साल के में एक भी वीडियो ना ही एडिटिंग की ना ही वीडियो बनाई। तो आज से करोगे? मैं तो इतना दिन क्यों नहीं की, इतना दिन तू बिजी थे और मैं कैसे मान लूँ कि तू इसके बाद बिजी नहीं रहेगी? आप कर रहे थे तो मैं सोचा तो मुझे करने की क्या जरूरत है, आप कर रहे तो आप जब कोलैबोरेशन में है, जब तू मेरे चैनल को हैंडल कर सकती है, तो क्यों नहीं वीडियो बनाएगी? मैं कि तुम्हें ऐसे ही रखी हूँ वीडियो बनाने के लिए, मतलब चैनल में। करने के लिए तुम्हारा बॉस सुनेगा कि मैं बिजी थी, मुझे काम था, मैं भूल गई, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे ये करना पड़ेगा। मानेगा? जब
लेकिन वो भी तुमको निकाल ही देगा जब ये तुम्हारा काम दिखाएगा कि ऐसे तुम कर रही हो। तो मैं क्यों रखूँ, मैं तुम्हें इसीलिए कोलैबोरेशन दी हूँ ताकि तुम भी वीडियो बना सकती हो। ऐसे बोलने से नहीं होगा ना, तू तो बच्ची नहीं है ना। मैं तो तुम्हें, मैं तुम्हारे जगह तो और कोई रख ही सकता हूँ। तुम्हें मानना पड़ेगा, ऐसा कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि तुम ऐसे करोगी। ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, तुम्हें मानना पड़ेगा सच्चाई। हाँ मैं तो वही तुम्हें बोलने जा रही थी। तो ले लो, मुझे नहीं करना। तो तुम ऐसे क्यों सोओगे? A few moments later. क्या हुआ? क्या हुआ? तू रो रही है? क्या हुआ? रो क्यों रही है? नहीं, मुझे नहीं आना। आप तुझे बोले। तू रो क्यों रही है? उठो, उठो ना। देखो। Prank हो रहा है तुम्हारे ऊपर। 2000 years later. Prank हो रहा है दोस्तों। ये prank हो गया। देखो ये prank हो गई। ये prank हो गई दोस्तों। Prank हो गई। ठीक है। अभी अभी बोलो कैसा लगा? तुम क्या सोची थी मैं तुम्हें सच्ची में निकाल दूंगी? हाँ, क्योंकि आप कुछ भी कर सकती हैं इसके लिए। मैं कभी मेरी छोटी बहन को निकाल सकती हूँ? वो कुछ भी करे मैं कभी नहीं निकाल सकती ना। तो एक बात कहूँ क्या? मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती। तो मुझे पता है ना, लेकिन तुम्हें ये पूछना चाहिए ना कि कैसे एडिटिंग करता है, कैसे क्या करता है। पर हमेशा बिजी रहती हो इसलिए मैं नहीं पूछती। पूछना पड़ता है, जब हम बात करते हैं तब पूछना पड़ेगा ना कि क्या कैसे एडिटिंग करता है, कैसे क्या करता है। तो आज से सच्ची में करोगी? सच्ची में। ठीक, बाय। चल तो गाइस, अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर मैं और भी प्रैंक वीडियो लाने वाली हूँ। सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब। यस, और कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं और प्रैंक वीडियो लाऊंगी। चलो बाय।